देखिए सियासत की इस समय की सबसे बड़ी खबर है लादूराम जी पितालिया, जिनको लेकर सियासी विवाद छाया था सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं इस समय जयपुर में है लादूराम जी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के साथ है। क्योंकि इसके कुछ देर पहले तक कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगा रहे थे कि लादूराम जी के ऊपर केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से और भाजपा की ओर से दबाव डाला जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। लेकिन जिस तरह वो जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निवास पर आए हैं और तमाम नेताओं के साथ खड़े हैं, ये तस्वीर कुछ और बयां करती है। प्रदेश पुनिया जी, अभी कुछ देर पहले रघु शर्मा ने भी आरोप लगाया था चिकित्सा मंत्री जी ने, और कहा था साफ तौर पर कि केंद्र सरकार की जो दबाव है उसके चलते इन्होंने नामांकन वापस लिया। कुछ ऑडियो भी जारी हुए थे, वायरल हुए थे। देखिए वो इसलिए परेशान है कि वो बुरे तरीके से हार रहे हैं। कांग्रेस हार रही है और बीजेपी जीत रही है, और बहुत अरसे से एक ये धारणा बना दी थी कि लादूराल पितलिया जी यदि चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा। उन्होंने स्वेच्छा से नाम वापस लिया है, किसी तरीके का दबाव नहीं था, हमारी पूरी विस्तृत बात हुई है। पार्टी ने उनके नाम को गंभीरता से, प्राथमिकता से विचार किया था, लेकिन कुछ स्थानीय परिस्थितियों के कारण, केंद्र के हमारे नेताओं की रायशुमारी के कारण, अनेक ऐसे कारण रहते हैं, लेकिन पार्टी ने सम्मानजनक तरीके से विचार किया। उस बात से संतुष्ट हैं कि पार्टी ने इनको विचार किया। आमतौर पर जब इस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति होती है तो लोग भावुक भी होते हैं, इसलिए एक दो दिन से इन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु महाराज के पास जाऊंगा, उनका आशीर्वाद लेने जाऊंगा। सारी चीज़ें साफ हो गई। चिट्ठी के बारे में इन्होंने कहा कि मेरी हैंड राइटिंग ही नहीं, आप कैसे मिलवा लीजिए। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी इसमें सियासत कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है। इसका जवाब उसको चुनाव परिणाम के दिन ही मिलेगा। लादूलाल जी पूरे तरीके से सहमत हैं, अपनी इच्छा के साथ पार्टी के कार्यकर्ता थे, रहेंगे, और इन्होंने कहा कि वो चुनाव प्रचार में भी जुटेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी अब मजबूती से ये जीत हासिल करेगी, और इसका असर केवल वहाँ नहीं बाकी जगह भी पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि इनके इस तरीके के यहाँ उपस्थित होने से कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा एक जवाब मिल गया। उनकी जो सियासत थी, उनकी जो षड्यंत्र था, वो बेनकाब हो गया। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कपड़े फाड़ें, बाल नोचें, कुछ भी कर सकते हैं। पुनिया साहब, लेकिन जिस प्रकार का ऑडियो लगातार सामने आया था, क्या उनकी प्रामाणिकता पूरी तरह खत्म हो गई? क्या लादूराम जी इस बात को स्वीकार करते हैं? देखिए जिस तरीके से चिट्ठी फर्जी है तो ऑडियो की वैधानिकता के बारे में किसने जांच की? उन्होंने सवाल उठाया कि बेंगलोर में इनके प्रतिष्ठान पर छापे मारे तो कौन सी एजेंसी थी, कब मारे गए, किसको परेशान किया, ये कोई एविडेंस नहीं है। उम्मीदवार को समझाइश के लिए आपने भी अपने परिवार में चर्चा की है, तो मुझे लगता है ये सारी की सारी कांग्रेस का रचा हुआ षड्यंत्र था कि बीजेपी को कैसे बदनाम करें, लादूलाल पितलिया जी को बदनाम कैसे करें, उनकी साख कैसे कम करें। और मुझे लगता है कि इनके यहाँ मौजूदगी के बाद और हमारी बातचीत के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं और कांग्रेस पूरे तरीके से बेनकाब हो गई। लादूराम जी, क्या अब बीजेपी के प्रत्याशी के प्रचार में आप चुनावी धरातल पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे, उनका समर्थन करते नजर आएंगे? सुबह भीड़ दे दिया है। आज यहाँ पर आप आए पूनिया साहब के वहाँ, मकसद? मकसद तो कोई पार्टी अपना परिवार है, वही मकसद था। पहले काम करता था, अभी भी काम करूँगा, सारा विधानसभा क्षेत्र में सेवा का काम करते रहूँगा। दिल से मन से आया हूँ। दिल से मन से आप बीजेपी में शामिल हुए थे, आज पुनिया साहब के पास भी आए, लेकिन कांग्रेस के कई लीडर आपके ऑडियो लेटर को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप बीजेपी के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, उनमें क्या सच्चाई है? इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। ये तो उनका काम वो करते हैं, पर मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। क्या लेटर आपका था? लेटर राइटिंग मेरी नहीं है। ऑडियो वीडियो जो जारी हुए उसकी जानकारी मेरे को नहीं है। तो कुल मिलाकर आप बीजेपी के समर्थन में अब आ चुके हैं पूरी तरह, और पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार भी करेंगे? तभी तो इधर आया हूँ जयपुर। कोई किसी प्रकार का कोई दबाव? अंतिम सवाल, कोई दबाव? दबाव होता तो इधर नहीं आता, मैं उधर ही गली में, घर में छुप के बैठता। तो सीधे तौर पर सारे सियासी आरोपों का सीधे तौर पर जवाब दिया है, किसी प्रकार का कोई आरोप जो लगाया गया था उसको निराधार बताया है लादूलाल पितालिया ने, और सीधे तौर पर यह भी कहा है कि वो भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में भी प्रचार करते नजर आएंगे। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत।